अपने सामने है पुंडो डैम, तो व्यू चेक करो, लुक एट द व्यू गाइस। तो स्पीडी को काफ़ी लंबे टाइम के बाद व्लॉग में ला रहा हूँ गाइस। मैनों की आवाज़ सुनो यार, धक्का तो नहीं लगाऊं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भीमू एंड यू आर वॉचिंग भीमू व्लॉग्स। सो गाइस, आज का व्लॉग आपको मिलेगा स्पीडी पे। तो गाइस, मैं मार्केट तक आया था, स्पीडी में फ्यूल अप भी करवाया और थोड़ा सा काम भी था। तो अभी छोटी सी राइड करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। तो आप लोग बने रहो व्लॉग में। यार मेरे को साइड नहीं मिल रही है कब से। तो यार आज स्पीडी को मतलब व्लॉग में स्पीडी को काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग में ला रहा हूँ। ऐसे तो मैं इसको चलाता रहता हूँ, कल भी आया था स्पीडी पे। तो स्पीडी को काफ़ी लंबे टाइम के बाद व्लॉग में ला रहा हूँ और ये व्लॉग भी काफ़ी लंबे टाइम के बाद शूट हो रहा है। तो सीन कुछ ऐसा है कि अपनी बाइक है ना, तो उसके पंच की थोड़ी आदत पड़ गई है, तो मतलब स्पीडी पे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ट्रैफिक बहुत है यार। सो यार ट्रैफिक। तो यार स्पीडी थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करती है ना, तो थोड़ा अजीब लग रहा है इस पर। तो अभी स्पीडी का टॉप अप चेक करेंगे। वैसे 80 तो ये आराम से क्रॉस कर लेती है, बाकी काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं इसका टॉप अप चेक कर रहा हूँ, तो देखते हैं। 70 and 80 के बहुत नज़दीक। तो यार गाइस अभी जो है, तो यार अब तो स्पीडी 80 तक बहुत मुश्किल से जा रही है। यार गाइस स्पीडी भी फुल पावर चलती है यार अभी, बस थोड़ा सा इसका इंजन का काम हो गया करवाने को ना, बिकॉज इसकी जो पिस्टन रिंग्स है वो घिस चुकी है, तो तब करके ये इंजन ऑयल भी फूक रही है और थोड़ा मतलब इसकी जो पावर है उसमें भी थोड़ी कमी आ गई है। बाकी तो भाई आप जैसे मर्जी चलाओ स्पीडी को। यो 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 गाइस, मैनों की आवाज़ सुनो यार, साइलेंसर आई थिंक खुल गया है या क्या सीन, ऐसे ही झूल रहा है उधर। क्या हो गया भैया जी, ये 80 टच कर लिया गाइस इसने। बहुत से लोग बोल रहे थे कि यार व्लॉग्स कंटिन्यू किया करो। यार भाई मैं तो कंटिन्यू करूं, बट आप लोगों को पता है आजकल जो मौसम है और ठंड है ना भाई, ठंड में बैंड बजा के रखी है, सुबह शाम तो भाई निकलने को ही नहीं है। तब करके भी मैं आजकल राइडिंग को थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया है कि जनवरी मतलब ठंड ख़त्म होने दो, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू व्लॉग्स आ पाए। और बाकी यार आजकल मैं कहीं दूर भी नहीं जा पाता, तब करके भी व्लॉग्स थोड़े लेट आ रहे हैं। यार मैंने स्पीडी की चोक लगा के रखी है शिट। तो यार ठंड की वजह से मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर पाता। तो यार डेली व्लॉगिंग जो है मतलब भाई बहुत ही स्ट्रगल वाला काम है और बहुत मुश्किल से हो पाता है, और आप लोगों को पता है आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो जब करके नहीं हो पाते डेली व्लॉग्स। बाकी कोशिश तो मैं पूरी करता हूँ अपनी तरफ से। पंचर हुआ, चल रही है ना ठीक। सीधी रखना, सीधी इसको, धक्का तो नहीं लगाऊं। चलो ऐ चांस अभी नहीं फटी होनी हो, ठीक है ना आराम से। तो यार भाई की बाइक का टायर पंचर हो गया है, तो मैंने तो पूछा इनको कि धक्का तो नहीं लगाऊं। यार टायर तो इनका ट्यूबलेस था, बट ये बोल रहे हैं कि इन्होंने ट्यूब डाल दी है, तो अब टायर तो बैठ गया, तो ट्यूब की तो भाई बैंड बच चुकी होगी। बाकी ये बोल रहे हैं कि यहीं से लाई, अब पता नहीं कि फट चुकी है वो या नहीं। बाकी यार ट्यूबलेस टायर वैसे सही रहते हैं। हेलो यार, अपने क्लासमेट्स थे
चलते हैं फुल पावर गाइस। तो गाइस आप लोगों को पता नहीं, विंड नॉइज़ तो नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि यार इस पर जो एक रबर टाइप लगा होता था ना जो विंड नॉइज़ को कैंसिल करता था, तो यार वो गिर गया मुझसे कहीं, तो पता नहीं अब साउंड कैसा आ रहा है। तो एक दो दिनों में लगा दूंगा मैं वो, अगर मिल गया घर में तो ठीक, अगर नहीं मिला तो मैं ऑनलाइन ही मंगवा दूंगा, यार मार्केट में मिल जाता तो ठीक, अदरवाइज़ यार आपको पता ही ऑनलाइन जो है थोड़ा टाइम लग जाता है सामान को यहाँ पहुँचने में। यार क्या बोलेंगे गाइस अब इनको, भाई हमें खुद ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अदरवाइज़ क्यों ऐसे इन झंझटों में पड़ना। ट्रैफिक चेक करो ना आगे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यार, चच्चा अपनी लाइन में चलो ना यार। बट रख यार, क्या बंदा है, क्या कर रहा है भाई, अपनी चलती है इसमें अपनी क्या गलती है। थोड़ी और राइड कर लेते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी। बंदा है कर रहा है यार, किसको कर रहा था डोंट नो भाई दे पीछे। तो चलते हैं गाइस फुल पावर, एक छोटी सी गेड़ी मारेंगे डैम वाली साइड और फिर वापस आ जाएंगे, बिकॉज पीडी को चलाने का भी बहुत मन कर रहा है। वैसे मैं इसको चलाता तो हूँ, मतलब चलाता रहता हूँ थोड़े थोड़े दिनों बाद, बट स्पीडी को ब्लॉग में काफ़ी लंबे टाइम के बाद ला रहा हूँ। तो एक दो भाई बोल भी रहे थे यार भाई स्पीडी पे ब्लॉग लाओ, स्पीडी पे ब्लॉग लाओ, तो तब करके मैं स्पीडी पे ब्लॉग ले आया। तो गाइज अभी हम लोग अपने डैम पे पहुँचने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ पे लेंस चेक करना यार। चेक करो व्यू देखो यार कितना प्यारा है, होप सो कि ज़्यादा विंड ब्लास्ट ना हो रहा हो। गाइज यार अब मैं क्या करूँ, वो गिर गया कहीं पे तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो गाइज भीमू का बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे हम लोग उधर, तो उसका व्लॉग आएगा आज शाम को, तो वो भी देख लेना आप, अगर उस व्लॉग से पहले आएगा, अगर वो व्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना, तो उसमें हम लोगों ने बहुत मस्ती की है, तो वो व्लॉग भी चेकआउट कर लेना। तो यार यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से आगे चला जाऊँ यार, रास्ते हर कभी चेंज हो जाते हैं यार, मैं नीचे से जा रहा था, तो यहाँ आगे चलते हैं यार क्योंकि स्पीडी की रील बनानी है ना, तो आगे शॉर्ट निकालेंगे हम। तो गाइज यहाँ पे अभी मैं स्पीडी की कुछ वीडियो बनाऊँगा, तो उनको मैं पोस्ट करूँगा इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर दो, मेरी इंस्टा आईडी है, तो ये है मेरी इंस्टा आईडी bimu3287। तो जिन लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है फॉलो भी कर लो। और गाइज यार लुक एट द व्यू, गाइज यार क्या व्यू है ये चेक करो आप लोग यार, शाम के टाइम जो मज़ा आता है ना यहाँ पे, चलो दिखाएंगे कभी आपको शाम के टाइम भी, तो फिलहाल तो ये चेक करो आप लोग, ये चेक करो गाइस अपने सामने है पंडो डैम, तो व्यू चेक करो, लुक एट द व्यू गाइस। तो अभी मैं यहाँ पे स्पीडी से रिलेटेड कुछ वीडियोस निकाल लेता हूँ, तो फिर मिलते हैं आपसे।
सो गाइज अभी यहाँ पे वीडियोस वगैरह बना ली, तो यार मैंने वीडियो देखी तो भाई साउंड के लिए सो सॉरी, कहीं कहीं जहाँ मतलब हवा बज रही है ना तो मतलब वहाँ पे गंदा जैसा साउंड आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। तो गाइज़ मैं जल्दी इस माइक का कुछ करता हूँ, और लोकेशन देखो यार कितनी प्यारी है। तो अभी यहाँ से चलते हैं, मैंने फ़ोटो और वीडियो यहाँ पे क्लिक कर लिए, तो अब चलते हैं। यहाँ पे तो यार ठंड लगी थी मुझे क्योंकि यहाँ पे हवा चल रही है ना, वो देखो मंकी पानी पी रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ से देखो यार व्यू कितना प्यारा है, ये जो लोकेशन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट लोग रुकते हैं और फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं यार। Look at the view guys, let's go to home. यार अब चलते हैं घर, बाकी यही मैं थोड़ी सी राइड करने आया था, बाकी पंडो में मुझे थोड़ा सा काम था। और बाकी आप लोग बताना आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, और ये भी कमेंट कर दिया करो गाइस कि आपको मतलब नेक्स्ट ब्लॉग किस पे चाहिए, या कोई लोकेशन पे चाहिए, या ऐसी राइड चाहिए कोई, तो बता दिया करो यार कमेंट करके बता दिया करो, क्योंकि कभी कभी मेरे माइंड में भी मतलब कंटेंट वगैरह नहीं आते, तो आप लोग भी बता दिया करो यार। लोकेशन देखो कितनी मुझे बहुत मस्त लग रही है यहाँ से, तो यहाँ पे पीछे पीले पीले पत्ते थे ना वो बहुत मस्त दिख रहे थे। सो अभी लेट्स गो टू होम। तो आप लोग बताना यार, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ब्लॉग को करो लाइक कमेंट शेयर, और हाँ गाइज कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट ब्लॉग किस पे चाहिए। बाकी मैंने सोचा कि कहीं बर्फ़ में जाना था घूमने, बट यार नियर बाई जो बर्फ़ गिरी थी प्राशर में, बर्फ़ गिरी थी वो पिघल चुकी है, और बाकी नियर बाई कहीं गिरी नहीं है, तो देखते हैं क्या बनता है। तो आप लोग कमेंट करके बताना नेक्स्ट ब्लॉग आपको किस पे चाहिए, इस ब्लॉग का भी बता देना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज़।